क्यूट सा एम्पलीफायर है, बिल्कुल हाथ में आ जाता है इस साइज का एम्पलीफायर है। हाय दोस्तों, जो मेरा आज का वीडियो है वो है स्कॉर्पियो के बारे में। ये है S5 वेरिएंट बेस मॉडल और इसमें हम लगाने लगे हैं बहुत अच्छा वाला म्यूजिक सिस्टम। काफी अच्छे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, टोटल ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। और जो इसका लगभग आपको बताता हूँ बजट है गाड़ी का, वो तकरीबन 1,10,000 के आसपास रहने वाला है। अब करते हैं हम शुरुआत। जैसे कि आप फ्रंट डोर देख रहे हैं राइट साइड में, इसमें हमने डैम्पिंग की है ग्राउंड जीरो की। 2 लेयर डैम्पिंग है ये और वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एंड प्रीमियम डैम्पिंग ब्रांड है ग्राउंड जीरो। इसमें हमने अंदर के साइड से भी की है, बाहर के साइड से भी की है। टोटल 2 शीट लगाई है हमने पर डोर, जिसमें फ्रंट 2 डोर में हमने लगाई है 4 शीटें और रियर डोर में हमने लगाया है 2 शीटें, जो लास्ट डिग्गी वाला डोर है। स्पीकर्स जो हम लगा रहे हैं इसमें, वो लगा रहे हैं हम जेबिल का स्टेडियम सीरीज का कॉम्पोनेंट फ्रंट में, और रियर में भी हम यही कॉम्पोनेंट यूज करेंगे। जो मॉडल नंबर है स्टेडियम GTO 600C, काफी अच्छा कॉम्पोनेंट है। और जो इन्फिनिटी कापा है उसके तकरीबन इक्वलेंट पड़ता है ये कॉम्पोनेंट, तो आप ये भी लगा सकते हैं कापा की जगह, और ये थोड़ा सा सस्ता भी है उससे। जो हम हेड यूनिट लगाने लगे हैं वो हम लगाएंगे ब्लॉपंग का, 9 इंचेस एंड्रॉयड है की लार्गो, और आप जानते ही हैं ब्लॉपंग वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है एंड्रॉयड के अंदर, और इससे अच्छा ऑप्शन हमें इस सिस्टम के लिए नहीं मिल रहा था। ये हमारी डिग्गी डोर है, इसमें भी डैम्पिंग कर दी हमने अंदर और बाहर की तरफ से। टोटल 2 शीटें लगाई हैं ग्राउंड जीरो की। ये क्रॉसओवर है स्टेडियम का, इसमें भी हम कॉम्पोनेंट लगाएंगे। और जो हमारा वूफर रहने वाला है वो है किकर का L7, दिखाता हूँ मैं आपको। आप चेक कर सकते हैं स्क्वायर साइज में है 10 इंचेस में, बहुत ही अच्छा वूफर है, हाई एंड वूफर है, बहुत प्रीमियम चीज मैं कह सकता हूँ आपको। इसका जो मॉडल नंबर है TL7S 10 इंची क्लोजर, और सबसे खास बात बताया क्या इसकी, स्कॉर्पियो में बिल्कुल प्रॉपर फिट हुआ है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, सेटिंग कर सकते हैं 2 बंदे और स्पेस पूरी रह जाएगी। इसकी आउटपुट बहुत खतरनाक रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है, वो आपको मैं लास्ट में डेमो दूंगा। बट सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इसकी पोजीशन देखो, बिल्कुल परफेक्ट है। इससे अच्छा इंक्लोजर स्कॉर्पियो के लिए नहीं मिल सकता, स्पेस भी पूरी है और आवाज भी बहुत अच्छी आएगी। लेफ्ट साइड का डोर भी कंप्लीट हो चुका है, कंपोनेंट टाइट हो चुके हैं, क्रॉस ओवर की इंस्टॉलेशन रहती है। हेड यूनिट इंस्टॉल हो रहा है, डबल वायरिंग डलेगी इसमें 10 mm की कॉपर वायर, और काम होने वाला है बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि मैं आपको पहले बता रहा हूँ जितना भी प्रोडक्ट यूज किए गए वो सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं। अब चलते हैं एम्पलीफायर की तरफ। जो हम इसमें एम्पलीफायर यूज करने वाले हैं वो है किकर का मोनोब्लॉक विद किकर का L7 इंक्लोजर। परफेक्ट ट्यूनिंग होगी दोनों की और परफेक्ट मैच है। इसके अलावा हम आपको कोई मोनो रिकमेंड भी नहीं करते L7 के साथ, ये बेस्ट है 600 RMS के अंदर। वूफर भी हमारा 600 RMS है। और जो हमारा 4 चैनल है वो है सेट स्टोम का आयरन लाइन IR 400.4, काफी अच्छा है, 100 RMS एम्पलीफायर है, स्पीकर के लिए बहुत सफिशियंट है, और ये JBL स्टेडियम को बहुत अच्छी तरीके से ड्राइव करेगा। साइज इसका काफी छोटा है, आप चेक कर सकते हैं। क्यूट सा एम्पलीफायर है, बिल्कुल हाथ में आ जाता है इस साइज का एम्पलीफायर है। तो अगर आप स्पेस कॉन्शियस हैं, ज्यादा जगह नहीं चाहते गाड़ी में ऑक्यूपाई हो, तो ये एम्पलीफायर भी आपको मैं रिकमेंड करता हूँ। रियर डोर भी हमारा बैक हो चुका हुआ है, आप स्पीकर की पोजीशन चेक कर सकते हैं, कॉम्पोनेंट लगाए हैं यहाँ पे हमने, ट्विटर की प्लेसमेंट की है। जो हमारी एम्पलीफायर की प्लेसमेंट है वो हम सेकेंड डोर की सीट के नीचे लगाएंगे। ये हमारा मोनोब्लॉक है और वो हमारा 4 चैनल है, दोनों ही बहुत छोटे कॉम्पैक्ट एम्पलीफायर है, तो प्रॉपर तरीके से नीचे फिट हो जाएंगे। हमारा काम कंप्लीट हो चुका हुआ है, म्यूजिक सेटअप हमने कर दिया फाइनलाइज। सबसे पहले जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो है ब्लॉपंग का की लार्गो 9 इंचेस जो हमने लगाया स्कॉर्पियो के अंदर, प्रॉपर इंटीग्रेट किया गया है। फ्रेम देखो आप, फिट एंड फिनिश बिल्कुल 100% है और देखने में काफी अच्छा लग रहा है। ये 2 GB RAM है, 16 GB स्टोरेज है, IPS स्क्रीन है, गुरिल्ला ग्लास है, और काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, फास्ट परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू जो चाइनीज एंड्रॉइड मार्केट में अवेलेबल है। बाकी फीचर्स की बात करते हैं, सबसे खास बात जो मुझे इसमें लगती है कि इक्वलाइजर सेटिंग्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी इक्वलाइजर सेटिंग्स मिल जाती हैं। सबवूफर ऑन ऑफ करने का भी इसके अंदर ऑप्शन होता है, अगर आपको सबवूफर नहीं सुनना है इसको आप ऑफ करेंगे सबवूफर बंद हो जाएगा। तो ये चीज मैं करता हूँ आपको हाईली रिकमेंडेड। ये आप जानते हैं ये एंड्रॉइड है, इसमें प्ले स्टोर होता है, आप कोई ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने, मतलब कि जो ये चीजों सपोर्ट कर सके आप उसको यूज कर सकते हैं। गूगल मैप्स हो गए, यूट्यूब डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो इस पे फ्लॉलेस चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सुनाता हूँ इसका ऑडियो सेटअप। We'll be right back.
होप आपको मेरा काम पसंद आया होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।